हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो चैट, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल में इस साल दो सबसे बड़ी टीमें कौन सी होने वाली है, या दो या तीन की भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि दो तीन टीमें मेरे हिसाब से ऐसी हैं जो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और ये दो तीन टीमें, इनमें से एक टीम ऐसी है जो अब तक आईपीएल नहीं जीती है, और जो बाकी की दो टीमें हैं वो दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स रही हैं। लेकिन कौन सी है वो तीन टीमें जो इस साल आईपीएल में कमाल कर सकती हैं, जो इस साल आईपीएल में सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है, उनके बारे में बात करेंगे, उनके प्लेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपको आईपीएल या इंडियन क्रिकेट से जुड़ी कोई भी रियल टाइम अपडेट चाहिए होती है तो ट्विटर पर आइए, @RohitJuglan लिखिए, RohitJuglan, और फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप Rohit.Juglan, RohitJuglan पर आ सकते हैं, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं उन तीन टीमों की जिन पर इस साल सबकी नज़र है। और सबकी नज़र है का मतलब क्या है, देखिए मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर आप मेरा जो कार्ड देखें आईपीएल का, तो ये पूरी तरीके से तैयार है। और इस पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, खैर ये जो आईपीएल का कार्ड है ये बीसीसीआई बनाता है, और ये हमारा लास्ट ईयर का है 2018 का, जो जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस पर लिखा हुआ है। तो हमारी तैयारी तो पूरी है, और हमारी टीम्स भी, जो कौन सी सबसे बड़ी टीम्स हैं, कौन सी सबसे बैलेंस टीम है, उनको लेकर भी आपके साथ चर्चा के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा पर जोड़ते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। बेंगलोर में जो कन्नड़ भाषा है उसमें पिछले साल इन लोगों ने एक टैगलाइन यूज़ की थी, और उस टैगलाइन में इन लोगों ने कहा था कि इस साल कप नम दे, मतलब कि इस साल जो है वो कप हमारा है। बट छह ही मैच जीत पाई और टीम छठी पोजीशन पर रह गई। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ए बी डिविलियर्स ने बीते साल बहुत अच्छा किया, 480 रन उन्होंने बनाए, विराट कोहली ने 520 रन आए, 60 से ऊपर का एवरेज ए बी डिविलियर्स का था। लेकिन दिक्कत की बात आरसीबी के लिए यहीं से शुरू होती है कि इन दोनों के अलावा इस टीम के पास और कोई खिलाड़ी नहीं है जिन पर आँख बूंद के ट्रस्ट किया जा सके। एक आपके पास विराट कोहली हो गए, एक आपके पास जो है वो ए बी डिविलियर्स हो गए। विराट कोहली और ए बी डिविलियर्स के अलावा इस टीम के पास तीसरा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो अपना हाथ उठाए और कहे कि मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उस खिलाड़ी की इस टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस वक्त तक देखने को नहीं मिला है। अच्छा, आरसीबी की टीम की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? आरसीबी की टीम के लिए हमेशा की तरह इस साल भी बात आकर उठती है ए बी डिविलियर्स और विराट कोहली पर। लेकिन इस साल दो और नए बल्लेबाज, एक कौन, मार्कस स्टॉइनिश, जिनका बीबीएल बहुत शानदार रहा। दूसरा कौन, हेनरी क्लासन, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर है। क्विंटन डिकॉक को उन्होंने जाने दिया क्योंकि हेनरी क्लासन उनके दिमाग में थे, हेनरी क्लासन का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, हैटमेयर, वेस्टइंडीज के वो खिलाड़ी जो इंडिया में आए तो उन्होंने तूफान मचा दिया, जिन्होंने वेस्टइंडीज में प्रीमियर लीग्स में जो है बहुत शानदार प्रदर्शन किया। तो शेमरॉन हेटमेयर, हेनरी क्लासन, मार्कस स्टॉइनिश, ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर अब ये टीम आँख उठाकर देख रही है, बिल्कुल एकदम बायनोक्लियर लगाकर देख रही है कि यार क्या हो सकता है। बहुत ध्यान से इन तीनों के प्रदर्शन को देखा जाएगा। दूसरी तरफ मार्कस स्टॉइनिश एज अ गेंदबाज भी बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस टीम में। दूसरी तरफ क्या है, आपके पास गेंदबाज, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि युजवेंद्र चहल आपके पास सबसे बड़ा नाम है। अगर युजवेंद्र चहल अच्छा करते हैं इस साल भी तो ये टीम अच्छा कर सकती है। लेकिन इस टीम के पास सबसे बड़ा थ्रेट आप जानते हैं क्या है, कि अगर ये टीम 200 बनाने की क्षमता रखती है तो 200 खाने की क्षमता भी रखती है। अगर गेंदबाजी में सुधार देखने को नहीं मिला तो इस साल कप ना नाम दे, इस साल कप ना नाम दे। तो इस साल कप नाम दे के लिए चाहिए, ये साल कप हमारा, इस लाइन का मतलब ये कि ये साल कप हमारा इसके लिए चाहिए कि विराट कोहली, ए बी डिविलियर्स, मार्कस स्टॉइनिश, हेनरी क्लासन, शेमरॉन हेटमेयर, ये सब तो चले ही, साथ ही साथ आपके उमेश यादव भी चले, आपके युजवेंद्र चहल भी चले, अगर ये चले तो आपके लिए जो वो जो इवेंस डिवेंस वे था वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सफल होता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं दूसरी टीम की तरफ। दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस वो टीम जो 2013, 2015 और 2017 में जीती आईपीएल की ट्रॉफी। अब इन सब चीज़ों में क्या है, एक चीज़ तो ये कॉमन है कि रोहित शर्मा कप्तान थे। लेकिन 2013, 2015 और 2017 एक साल का गैप का मतलब है कि 2018 जा चुका और अब 2019 है। तो क्या ऐसा होगा कि 2013, 2015, 2017 और 2019, क्या ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है, ये मुंबई इंडियंस के ओनर्स, उनके कप्तान, उनके खिलाड़ी, उनका टीम मैनेजमेंट, वो भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा होगा? सबसे बड़ी बात यही है, अगर वो इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा होगा
तो फिर आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें इवॉल्व होकर सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि पिछली बार आप देखिए कि इस टीम में कमी कुछ नहीं थी, पिछली बार ये टीम कंसिस्टेंट नहीं थी अपनी परफॉर्मेंस के साथ। और मुंबई इंडियंस के साथ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो ये है कि इस टीम को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। वो जो एकाग्रता है ना, उसको कहीं ना कहीं इस टीम को लगातार अपने साथ बनाए रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दिक्कत इस टीम को आएगी। रोहित शर्मा ऐसी उम्मीद है कि इस बार ओपनिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है ऑल दी रोहितियंस, ऑल दी मुंबई इंडियंस फैंस, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसीलिए देखना दिलचस्प होगा। लसित मलिंगा टीम में वापस आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, केरन पोलार्ड ढलान पर है अपने करियर की। दूसरी तरफ ईशान किशन हो गए या फिर युवराज सिंह हो गए, कुछ पुराने नाम कुछ नए नाम, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अपने करियर की ढलान पर हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं। वॉन लुइस एक बड़ा नाम है, जसप्रीत बुमराह, तो यार कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, बहुत सारे नाम हैं इस टीम में ऐसे जो दुनिया ने सुने हुए हैं। किस वजह से? उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस हर बार की तरह इस बार भी फेवरेट्स हैं, और वो इस खिताब को चौथी बार जीतने का दम जो है वो रखते हैं। अब आ जाते हैं आपकी आखिरी टीम, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से, कभी ऐसा कोई आईपीएल हुआ ही नहीं जिसमें इस टीम ने जिसमें पार्टिसिपेट किया हो और अंतिम चार में ना पहुंचे हो। क्योंकि इस टीम को पता है, इस टीम के कप्तान को पता है कि कैसे इस टीम को आगे बढ़ाना है। आईपीएल किस तरह से खेला जाता है, महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कोई और नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो महेंद्र सिंह धोनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी टीम की ताकत क्या है। उनकी टीम की ताकत है सुरेश रैना, उनकी टीम की ताकत है ड्वेन ब्रावो, उनकी टीम की ताकत है खुद महेंद्र सिंह धोनी। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल को बहुत ज़्यादा खेला है और आईपीएल इनके अंदर रचा बसा है। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे यार ये लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब यहाँ अब ये करना है, अब ऐसा करना है, अब ऐसे निकलना है, अब ऐसे निकलना है। तो इस वजह से जो है ना, ये पूरा का पूरा जो गेम है ना वो बहुत आसान सा नजर आता है इस टीम के लिए। ऐसा लगता है यार जैसे इस टीम को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ रहा है। चीज़ ऐसी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, गेम हर टीम के लिए एक बराबर है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जब चेन्नई सुपर किंग्स खेलती है तो ऐसा लगता है यार इस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता, इस टीम के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती हुई नजर ही नहीं आती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के मैं प्लेयर्स की बात नहीं करूंगा यार, आप सब लोग जानते हैं उस टीम में खास क्या है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो ये कि मुझे लगता है उनकी टीम के पास गेंदबाजों में शायद थोड़े से पीछे हैं। लुंगी एंगिडी को कल एक इंजरी हुई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं सिर्फ गेंदबाजी को देखना चाहता हूँ इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की। उनकी बैटिंग पर कोई डाउट नहीं है, उनके कैप्टन कूल पर कोई डाउट नहीं है, किसी पर कोई डाउट नहीं है, सिर्फ गेंदबाजी, सिर्फ गेंदबाजी। गेंदबाजी को ध्यान से देखिएगा इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की, और खासतौर पर तेज गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वहीं से कहीं ना कहीं चेन्नई एक ऐसे सफर पर निकलेगी जहाँ वो एक बार फिर से खिताब जीत सकती है। अच्छा, ये तीन टीमें तो वो हो गई जो क्लियर फेवरेट्स हैं, लेकिन एक टीम, एक और टीम की चर्चा मैं करना चाहूंगा, वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ऐसी टीम है जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नजर आ रही है इस बार। आरसीबी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स से तो क्लियर फेवरेट्स नजर आ रहे हैं कि यार हाँ ये तीन टीमें हैं जो कि अंतिम चार की दौड़ में पहुंचने की बहुत ज्यादा हकदार है। नहीं भी पहुंचेंगी, पहुंच भी सकती हैं, उस पर डाउट है, लेकिन फेवरेट्स हैं। लेकिन एक टीम जो बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है और जिससे हर टीम को बचकर रहना पड़ेगा, वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। डेविड वार्नर वापसी कर रहे हैं, कीन विलियमसन की कप्तानी, हालांकि वो इंजरी से वापस आएंगे जब भी इस आईपीएल में हिस्सा लेने आएंगे। और उसके बाद ऑलराउंडर्स की एक फौज, चाहे फिर आप विजय शंकर देखिए, दीपक हुड्डा देखिए, यूसुफ पठान देखिए, शाकिब अल हसन देखिए, ऑलराउंडर्स हैं। भुवनेश्वर कुमार है, भुवनेश्वर कुमार के होने का मतलब आप समझ रहे हैं तेज गेंदबाजी में क्या है। तो इस टीम पर भी नजरें जो है वो इनायत करके रखिएगा, गाड़ के रखिएगा नजरें सनराइजर्स हैदराबाद पे भी, क्योंकि ये वो टीम है जो गिवन डे, एंड आई एम फॉरगेटिंग वन नेम, राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये वो टीम है जो ऑन द गिवन डे किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। वैसे तो कोई भी टीम किसी भी टीम को हर किसी भी दिन पे हराने का दम रखती है, लेकिन ये टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है और इस टीम का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये थे मेरे क्लियर फेवरेट्स। आपके क्लियर फेवरेट्स क्या है कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए, बताइए हमें कि आप कौन कौन सी टीमों को अंतिम चार में देखना चाहते हैं। क्या आपकी और मेरी सोच मिलती है? क्या आप भी क्लियर फेवरेट्स आरसीबी, सीएसके एंड एमआई को मानते हैं? और क्या आप भी मानते हैं कि जो बैलेंस की बात है जहां तक, वो एसआरएच में बहुत कमाल का है? अगर आपको भी ये लगता है
तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो ट्विटर पर आइए @रोहित जुगलान, ROHIT JUGLAN, कोई स्पेस नहीं है, या फिर इंस्टाग्राम पर आइए ROHIT ROHIT.JUGLAN, वहां पर आकर भी आप बता सकते हैं, प्लीज बताइएगा। और इसी तरह से नोटिफिकेशन बेल हिट करते रहिए, सब्सक्राइब बटन दबाते रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।